यूपीएससी में ये जरूरी है कि आप मिथ्स के पीछे ना जाएं। इस बार का प्रीलिम्स आप थोड़ा एनालाइज करेंगे तो ये समझ में आ जाएगा कि करंट अफेयर्स बेस है। मेरा माध्यम हिंदी है और ये सेकंड मेरा अटेम्प्ट था। अपने शॉर्ट नोट्स तैयार कर सकते हैं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को अच्छे से फॉलो। हेलो दोस्तों, नमस्कार, मेरा नाम अभिभांशु, स्वागत है आप सभी का हमारे एक और नए वीडियो में। दोस्तों, जैसा कि आप सभी लोग को पता है, यूपीएससी 2022 का रिजल्ट आ चुका है, तो उसी क्रम में हम वीडियोज करें, काफी सारे टॉपर्स का वीडियो करें। अभी हमारे साथ यूपीएससी 2022 की सिलेक्टेड कृतिका मिश्रा मैम है। मैम का सिलेक्शन यूपीएससी 2022 में 66वीं रैंक के साथ हुआ है, तो आज के इस वीडियो में मैम से बात करेंगे, इनकी जर्नी के बारे में जानेंगे, साथ साथ इन्होंने क्या स्ट्रेटजी अपनी फॉलो की थी उसके बारे में बात करने वाले। बस आप लोग वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। मैम, हमारे व्यूअर्स जो वीडियो देख रहे हैं, हमारी तरफ से आपको बहुत बहुत बधाई। थैंक यू सर। मैम, हम जानना चाहेंगे आपका एजुकेशनल बैकग्राउंड क्या रहा। मेरी शिक्षा कानपुर से ही हुई है पूरी। 12th तक स्ट्रीम साइंस स्ट्रीम था और उसके बाद बैचलर्स में हिस्ट्री पॉलिटिकल साइंस और मास्टर्स में हिंदी साहित्य विषय था। यूपीएससी की तैयारी आपने कब स्टार्ट की? 2020 में शुरुआत की है। मैम, जब आपने शुरुआत में अपनी तैयारी स्टार्ट की थी, तो मतलब कोचिंग का कहीं गाइडेंस वगैरह लिया था या किस तरीके से स्टार्टिंग रही? जी, मैंने ऑनलाइन साधनों का पूरा प्रयोग किया। जहाँ भी जिस भी कोचिंग से मुझे गाइडेंस मिली, मैंने व्यक्तिगत रूप से बहुत सारे वरिष्ठ अधिकारियों के पास जा करके गाइडेंस लिया। तो एक तरह से जिसे कहा जाता है सब जगह हाथ पर मारना, तो वो मेरी स्ट्रेटेजी थी शुरुआत से ही, क्योंकि आपको एक दिशा चाहिए होती है इस तैयारी को करने के लिए। शुरुआत में जो बहुत सारे स्टूडेंट अपनी तैयारी स्टार्ट करते हैं, तो कहीं ना कहीं भटकाव का कारण रहता है, कहीं सोशल मीडिया पे देखते हैं या फ़ोन में, मतलब उनको सही गाइडेंस नहीं मिल पाती, तो थोड़ा हमारे आप व्यूवर्स को बताइए कि कहाँ जाएँ ताकि उनको सही गाइडेंस मिल पाए। सोर्सेज को ऑथेंटिक रखना बहुत ज़रूरी है। यूपीएससी में ये ज़रूरी है कि आप मिथ्स के पीछे ना जाएँ। सबके अपने इल्यूजन्स हैं यूपीएससी को लेकर के, उसको फॉलो ना करें और कोशिश करें कि जितने भी ऑथेंटिक सोर्सेज हैं उन पर भरोसा रखें। आपका ये यूपीएससी के लिए कौन सा अटेम्प्ट था और मीडियम क्या रहा आपका? मेरा माध्यम हिंदी है और ये सेकंड मेरा अटेम्प्ट था। पिछली बार इंटरव्यू तक मुझे पहुंचने का अवसर मिला था। जब आपने अपनी तैयारी स्टार्ट की थी, तो मतलब एनसीईआरटी से अपना बेस स्टार्ट किया था या स्टैंडर्ड बुक्स डायरेक्ट फॉलो की थी? एनसीईआरटी से शुरुआत की थी और क्योंकि बैचलर्स में ह्यूमैनिटीज स्ट्रीम ही था, तो मुझे उतनी दिक्कत नहीं हुई स्टैंडर्ड बुक्स को भी फॉलो करने में, तो उसको भी मैंने फॉलो किया। मैम, हम जानना चाहेंगे कि आपने क्या बुक लिस्ट फॉलो की, खासकर चाहे प्री की बात करें, मेंस, मतलब आपने कौन कौन सी बुक्स किसके लिए कौन सी पढ़ी थी? बुक लिस्ट देखिए, एनसीईआरटीज तो बेसिक रहती हैं, उसके बाद हिस्ट्री में जैसे विपिन चंद्रा सर की ओल्ड एनसीईआरटी हो गई, अर्जुन देव सर की हो गई, एम लक्ष्मीकांत है पॉलिटी के लिए, साथ में इकोनॉमी के लिए आप किसी कोचिंग के नोट्स देख सकते हैं, मृणाल सर के वीडियोस देख सकते हैं, एथिक्स आपको राउस की मटेरियल है, बहुत सारी कोचिंग्स का मटेरियल है, दृष्टि का हिंदी में उपलब्ध है, विजन का भी देख सकते हैं। तो इस तरह से मुझे लगता है सोर्स की अब कोई कमी नहीं है, बस इतना ध्यान रखना है कि कम पढ़ना है और जो भी पढ़ना है उसको मल्टीपल जगहों पर यूज़ करने की एक आदत डालनी है, तो वो आपकी स्ट्रेंथ बनेगी। आपका मीडियम हिंदी रहा, तो क्या आपको बीच में ऐसा कहीं नहीं लगा, क्योंकि जब रिजल्ट आता है तो कहीं ना कहीं जो इंग्लिश मीडियम के छात्र हैं उनका सिलेक्शन ज़्यादा होता है, हिंदी मीडियम वालों का कम होता है? अब मुझे लगता है ये मिथ भी टूट रहा है। आप अगर अच्छे मटेरियल का यूज़ करके इंग्लिश मीडियम के सापेक्ष अपनी तैयारी को रखते हैं, तो कहीं से भी कोई भेदभाव नहीं है। आप तैयारी पूरे मन से करिए, भारतीय भाषा माध्यम से करिए, वो आपका एक एज ही देगा। आप मराठी, गुजराती, जो भी माध्यम है, खुल करके बिना किसी शंका के उसको अपनाइए। हिंदी क्योंकि एक बहुत बड़े क्षेत्र में भारत में कवर होती है, तो जब आपको काम करने का अवसर मिलता है जिलाधिकारी के रूप में, किसी अन्य अधिकारी के रूप में, आप कोई मिनिस्ट्री संभाल रहे हैं, तो बहुत बड़ा काम है जो हिंदी में या भारतीय भाषाओं में भी होता है। तो इस तरह की शंकाओं का त्याग होना चाहिए, ये नकारात्मकता जो है उसको भी हमें छोड़ना होगा और अपने माध्यम पर पूरा भरोसा रखना होगा। आपका ऑप्शनल सब्जेक्ट क्या रहा, आपने उसके लिए क्या सोर्स फॉलो किया? ऑप्शनल हिंदी साहित्य था। उसके लिए सबसे पहले तो बेसिक अंडरस्टैंडिंग के लिए एनसीईआरटी और जैसे विश्वनाथ जी का एक हिंदी साहित्य का सरल इतिहास करके है, वो आप फॉलो कर सकते हैं। साहित्य परिचय करके एनसीईआरटी है, उसको आप पढ़ लेंगे तो एक बेसिक ना कैसे पद्य में कौन कौन से छंद हैं, क्या है, वो सब आपको समझ में आ जाएगा। उसके बाद दृष्टि के नोट्स हैं, दृष्टि के नोट्स आप फॉलो कर सकते हैं, अपने शॉर्ट नोट्स तैयार कर सकते हैं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को अच्छे से फॉलो करना है उसमें। जैसे कि हम जाना चाहेंगे प्री और मेंस के लिए थोड़ा शॉर्ट में आप अपनी स्ट्रेटजी बताइए, मतलब खास प्री में ये चीज़ें करना चाहिए और मेंस में अलग क्या? प्री में आपको स्मार्टनेस रखनी है, अवेयरनेस रखनी है पूरी तरह से। इस बार का प्रीलिम्स आप थोड़ा एनालाइज करेंगे तो ये समझ में आ जाएगा कि करंट अफेयर्स बेस है
वो सेंटर पे आ गया है, और उसको आप जब डेली कंसिस्टेंसी के साथ फॉलो करते हैं तो आपके मार्क्स प्रीलिम्स में बढ़ेंगे। ये स्ट्रेटजी प्रीलिम्स के लिए, मेंस के लिए आंसर राइटिंग प्रैक्टिस अच्छे से करिए और अपने नोट्स को अच्छे से तैयार रखिए। जो इंट्रोडक्शन और वे फॉरवर्ड है उसमें बहुत आशावादिता के साथ अपने उत्तर को लिखिए। जैसे कि जो हिंदी मीडियम के छात्र हैं वो न्यूज़पेपर को लेकर बड़ा कंफ्यूज रहते हैं कि मतलब करंट अफेयर के लिए कौन सा न्यूज़पेपर फॉलो करें, कौन सी मैगजीन फॉलो करें। राष्ट्रीय संस्करण दैनिक जागरण का वो आप फॉलो कर सकते हैं। उसके अलावा बहुत सारी वेबसाइट्स हैं जो पूरे दिन का करंट अफेयर्स जो भी चल रहा है उसको अपने प्लेटफॉर्म पे दे देती हैं हिंदी में भी, आप उन्हें भी फॉलो कर सकते हैं। PIB में देखिए एक बहुत अच्छा इनिशिएटिव चल रहा है, सिर्फ हिंदी ही नहीं, उड़िया, गुजराती, मराठी सभी भाषाओं में बहुत सारे न्यूज़ पीसेस ट्रांसलेट होकर के आ रहे हैं। PIB फॉलो करेंगे तो वो बेस्ट रहेगा। हमारे साथ बहुत सारे छात्र जुड़े, उनको उनके लिए आपका कोई सजेशन या सुझाव रहेगा? देखिए हिंदी माध्यम, क्योंकि मुझे पता है कि मुझे सुनने वाले अधिकतर छात्र वो होंगे जो हिंदी माध्यम से या किसी भारतीय भाषा माध्यम से ये तैयारी कर रहे हैं। आप नकारात्मकता में मत फंसिए, एक लूप है। आप अगर एक बार सोच लेंगे कि मेरा सिलेक्शन हिंदी माध्यम से नहीं होगा तो फिर वो आपको आगे चल करके माइंडसेट में कहीं ना कहीं आपको कमज़ोर करेगा, आपकी तैयारी उससे प्रभावित होगी। इसलिए किसी भी तरह से इन लूप्स में फंसने की बजाय आप पॉजिटिविटी के साथ अपनी तैयारी को जारी रखिए। UPSC कोई भेदभाव नहीं करती है, ये मिथ है, और ये जितना ज़्यादा और जितनी ज़्यादा संख्या में आप सब तक ये बात पहुँच जाए तो वो मुझे लगता है ज़्यादा महत्वपूर्ण होगा। ओके, थैंक यू सो मच मैम, आपने अपना बहुत ही कीमती समय। थैंक यू। तो दोस्तों आप लोग का वीडियो कैसा लगा कमेंट करके आप लोग जरूर बताना। तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।